विधानसभा चुनाव का बिल्कुल पूरी तरह से बच चुका है। सभी रणनीति जो भी नेता है जो प्रत्याशी है पूरी तरह से मैदान पर उतर चुके हैं। लातेहार में चाय की दुकान लगती है और चाय की दुकान पर तमाम सियासत को लेकर तमाम प्रत्याशी को लेकर चाय भी होती है। आज हम चाय की दुकान पर चाय की चुकड़ी पर हम तमाम लातेहार के मुद्दे पर बात करेंगे, जन मुद्दे पर बात करेंगे, लोगों से जानेंगे किस एजेंडे को लेकर किस बार लोग वोट करेंगे। हमारे साथ लोग हैं तो हम दोनों का बराबर है, सब तरह की बात होती है। स्थान में कितना विकास हुआ है 5 सालों में सरकार का, किस तरह से देखते हैं? तो हम दूसरे पाएंगे, चलिए हम और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन 5 सालों में इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और किस बात को लेकर लोग वोट करेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। अनवर हुसैन। इस बार जो चुनाव है किस मुद्दे को लेकर, इस बार वोटिंग होने को लेकर किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? हम तो भाई भाजपा जी बराबर जी, इसलिए कि उनके साथ हमको अच्छा संपर्क है। क्यों देंगे भाजपा को वोट? इसलिए देंगे कि शरीर मेरा कमजोर हो गया है, पेंशन भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है और तरह तरह के जो भी आमदनी का ये है वो मिलता है। अरे ये बताइए जो लातेहार में जो भी 5 साल सरकार का कार्यकाल चला है जेएमएम का, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? चूंकि लातेहार का भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र, किस तरह से इसको देखते हैं आप? ये हमको समझ से बाहर, ये सरकार नहीं चला पाई। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि कोई भी मैंने बोलने के लिए तो बोल देते हैं लेकिन काम होता नहीं है, गरीबों तक ये काम हो नहीं रहा। अबू आवास वो चाहिए, हम मैंने परेशान परेशान हो गए लेकिन अबू आवास अभी तक नहीं मिला। आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? शासन पंचायत से। उस क्षेत्र में जो तमाम मूलभूत सुविधाएं है, सड़क है, बिजली है, पानी है, कितना उस गांव में विकास हुआ है? विकास तो नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो तमाम मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो साफ तौर पर जनता का कहना है कि यहां पर विकास अधिक से, और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किस एजेंडे को लेकर लोग वोटिंग करेंगे। भैया आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। दिखाने का हम बात करेंगे और लोगों से कि इस बार चुनाव किस मुद्दे को लेकर, सर पहले अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम भालू हुआ। इस बार चुनाव में किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? राष्ट्र का मुद्दा है। लातेहार 5 साल जो सरकार चली है, कितना विकास हुआ है लातेहार में? लातेहार का विकास तो मतलब आप लोग भी जान रहे हैं, यहाँ का विकास जो है पैसा आप लोग का अंचल का कोई वर्ग के लिए खाली पैसा पैसा तो इस सब कुछ जो है आप चूंकि कहाँ के रहने वाले? हम बानपुर के रहने वाले। तो बानपुर किसी के लातेहार एक शहरी क्षेत्र है और एक मेसो क्षेत्र भी है, यहाँ पर शहर का विकास किस तरह से हुआ है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, किस तरह का काम हुआ है? बहुत ज्यादा तो विकास इस बार बात करें तो क्योंकि 5 साल सरकार रही जेएमएम की, यहाँ का जो विधायक है बैनाथ राम, मंत्री भी रहे हैं 2 बार, कितना विकास हुआ है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर? बैनाथ राम व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी है लेकिन यही है जनता से कटे हुए। आप वोट किसको दीजिएगा इस बार? तो
लिए, तो तमाम चीजें हैं और भी हम यहाँ कुछ लोग से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया प्रणाम, चुनाव आ गया है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट इस बार क्रिएट करेंगे? हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग किसी को भी सब तो समझते जाते हैं बड़े जी। अच्छा, कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो बहुत कम हुआ, जो जो मांग हुआ है पब्लिक का वो नहीं हो पाया। सड़क पानी बिजली जो तमाम मूलभूत सुविधा है, कितना काम हुआ? ग्रामीण क्षेत्र का जे जल व्यवस्था नहीं हो पाया, और जो ग्राम का जो युवा है कॉलेज वो भी उद्घाटन नहीं हो पाया, जिससे कुटुंब है डिग्री कॉलेज तो उद्घाटन हुआ लेकिन पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? नहीं हुआ है तो उसमें भी दिक्कत है, विधायक लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। तो ये फिर दुकानदार, अच्छा आपका घर कैसे चलता है? स्वयं से वो घर चल जाता जी है। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? नहीं मिला। राशन वगैरह मिलता है? नहीं, राशन जी वंचित कर दिया गया है, क्योंकि आप अच्छा व्यवसायी है, आप दिया जा रहा है। आप कहाँ जगह में वाले? सही लातेहार। कौन जगह? बिजली ऑफिस के बगल में बैंक ऑफ इंडिया। आप शहरी क्षेत्र में, चूंकि लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में आते हैं, होल्डिंग से आगे ब्लॉक से आगे जो है ना ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। अच्छा अच्छा, ग्रामीण वहाँ जो तमाम सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, गाँव तक पहुँची है? हाँ, हमारा एरिया में पांडेपुर पंचायत पड़ती है, वो जो है सब कुछ उपलब्ध है, ऐसा बात नहीं, कमी नहीं है कुछ। लातेहार जिला में स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल गए हैं, इलाज बढ़िया से मिलता है आपको? जी जी। स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है जी। बच्चा लोग का पढ़ाई वगैरह कहाँ से? पढ़ाई लोग करा चुके हैं, सभी लोग का चंदन के विद्यालय करवाए थे, अच्छा पढ़ाई हुआ है, पढ़ाई अच्छा मिलना चाहिए, कार्य सब कुछ है जी। तो बिल्कुल कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर विकास हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि जो धरातल पर हो रहा था वो नहीं हुआ। हम और कुछ लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? लातेहार विधानसभा का चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? वोट तो विकास के मुद्दे पर करेंगे, जो काम करने लायक जी। कितना विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, जो तमाम सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कितना इस पर काम किया गया? लेकिन सरकार तो कहती है कि हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं, अब कहाँ करने वाले? लातेहार शहरी क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र में आता है, चूंकि मेसो क्षेत्र में भी आता है, यहाँ पर होल्डिंग टैक्स जो लगता है क्या ज्यादा लगता है या कम लगता है? ज्यादा है इसकी रेट, बहुत ज्यादा पहले के अपेक्षा ज्यादा है। जो आप लोग टैक्स देते हैं उसका सुविधा कुछ आप लोग को मिलता है उसके अनुसार? यहाँ पर और है बात करते हैं, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करिएगा इस बार? विकास कितना हुआ इस क्षेत्र में? कोई विकास नहीं हुआ, नाला और किसी छोड़ के कोई विकास नहीं, नाला किसी से चलता है, यहाँ बहुत तरह सुविधा का अति कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे यहाँ वो सब कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ नाला किसी मंत्री होते हुए नाला किसी करते हैं तो क्या हो सकता है? जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, बात करें हम शिक्षा की और स्वास्थ्य की, शिक्षा में दो दो बना हुआ है कॉलेज अभी तक चालू नहीं हुआ है, बन के पड़ा हुआ है करोड़ों का सरकार का, इनको ये चालू नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री खुद जिले से आते हैं, फिर भी तो नहीं हुआ, कितना शिक्षा को लेकर काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री 3 महीना के लिए बने, 4 महीने के लिए बने, लेकिन उसका कुछ विकास नहीं हुआ, जहाँ तक सब हो जाता लेकिन लातेहार का कुछ विकास नहीं। तो आप हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था? स्वास्थ्य को लेकर सरकार का सबसे ज्यादा बजट उसी को रहता है, डॉक्टर कितना लाभ मिलता है? डॉक्टर का पूरा यहाँ आती है, डॉक्टर कोई नहीं है, 3-4 डॉक्टर से इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं चलता है, नर्स यहाँ पे दिखती है, डॉक्टर दिखता ही नहीं, सुविधाएं मिलती है, कोई सुविधा नहीं, तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, कोई थोड़ा सा भी चोट लगता है रेफर,
तो बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ लोग का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो 5 साल में नहीं हुई है, कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो जनता बदलाव के मूड में है। हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भैया कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे इस बार? इसका वोट लेकर करेंगे जो इसका खड़े हैं। विकास हुआ इस क्षेत्र में? विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? उनको रहने वाले कलाकार कर लाते हैं। तो विकास नहीं हुआ तो बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ लोग का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ लोग का कहना है कि विकास नहीं हुआ है। हम तमाम और कुछ लोगों के भैया है और कुछ लोग का कहना है कि विकास नहीं हुआ है और कुछ लोग का कहना है। तो देखिए सर, विकास को झलक ले रहा है इनका जो है, तो 1-2 महीना से कुछ कर दिया है। बाकी तो आप शहर की बात है, गांव देहात में देखिए, चले जाइए अगल बगल के गांव में। तो बिल्कुल जनता पूरी तरह से तरफ है और जनता बदलाव कुछ जनता का बदलाव हम चाहते हैं। यहाँ पर जो तमाम मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए था, वो विकास लातेहार में नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं इस बार जनता बदलाव के मूड में है। हालांकि सभी प्रत्याशी तमाम रणनीति को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं और तमाम अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। अब कौन सियासत की कुर्सी पर आएंगे, कौन विधायक बनेंगे, कौन मंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लातेहार से मैं रुपेश अग्रवाल, धन्यवाद।